देख रहे हैं बसीरत ऑनलाइन। मैं इस वक्त मौजूद हूँ मधुबनी थाना मोड़ पे। यहाँ पे दिव्यांग, डिसेबल जो लोग मजबूर हैं अपने इससे, अपने जिस्म से मजबूर, कोई का हाथ ये है, यहाँ पर मेरे भाई बैठे हुए हैं, इनकी आंखें दोनों गायब है, ये लोग स्पेशल कैटेगरी में आते हैं। ये सरकार किसानों से लेकर, दिव्यांग से लेकर, सब लोगों को जो है दूर कर रही है और उनकी समस्या को न देख रही है। यहाँ पर जो है कितने सब ग्रेजुएशन किए हुए हैं, बीएड किए हुए हैं, इन लोगों को भी रोजगार से दूर रखा जा रहा है। बार बार ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी मांग कर रहे हैं कि हमारा हक दिया जाए, लेकिन सबको दूर रखा जा रहा है। और ये लोग, आप जैसा कि सुने होंगे नारा, ये लोग हद तक पहुंच गए हैं कि ये लोग चुनाव का बहिष्कार कर रहे हैं, वोट देना नहीं चाह रहे हैं, कि हम आज वोट नहीं देना चाह रहे हैं क्योंकि हमारी मांग पूरी नहीं की जा रही है। आइए जानते हैं इन लोगों की क्या समस्या है, ये लोग क्यों आखिरकार प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या क्यों इनकी बातों को नहीं मान रहे हैं रही है सरकार। भाई क्या आपकी समस्या है, क्यों आप लोग जो है प्रदर्शन कर रहे हैं, और क्यों इस हद तक पहुँच गए कि आप ये कहने पर मजबूर हो रहे हैं कि हम वोट नहीं देंगे। पूरा नहीं हो रहा और दिव्यांग लोगों का जितना ये कहीं पर जाते हैं मान सम्मान नहीं दिया जाता, कहीं पर दाम चढ़ा रहता है, कहीं पर डाला है, इनके यहाँ नहीं बैठे वहाँ जाइए, घर नहीं। जब तक हम लोग का 1100 की मांग नहीं पूरा होगा तब तक हम लोग जो है इलेक्शन का बहिष्कार करेंगे। क्या आपको सरकार, इस सरकार जो नीतीश कुमार की सरकार है, उससे क्या आपको वो परेशानी है, वो क्या आप लोगों को नज़रअंदाज कर रही है? क्योंकि हर एक फॉर्म में जहाँ पर एक कैटेगरी का मामला होता है, वहाँ पर बाजाबते से ये वर्ड लिखा होता है कि आप लोग स्पेशल कैटेगरी में हैं, तो क्या आप लोगों को स्पेशल कैटेगरी में रखा जा रहा है या सिर्फ एक वर्ड है? असल में सबसे पहले आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपको बता दूँ, दिव्यांग अधिकार कानून है, 2020 लोग जिला में समूह बनाए हैं और प्रखंड अधिकार जो भी समूह बनाए हैं और पंचायत में भी समूह बनाए हैं, और जमीन के स्तर पर हम दिव्यांग भाई के लेकर के देखें क्या समस्या है। वहाँ पर जाने के बाद बहुत ऐसा दिव्यांग जो है 2-2 साल से उनका पेंशन का समस्या है, हल नहीं हो रहा है। बहुत ऐसा दिव्यांग भाई है जिनका, जैसे कि सरकार हम लोग को मनरेगा में जोड़ा है, मनरेगा में बहुत ऐसा दिव्यांग भाई जिसका जॉब कार्ड बना हुआ है, लेकिन पहले से उनको जॉब नहीं दिया जा रहा है। जो दिव्यांग भाई जॉब कार्ड के लिए बहुत ऐसा दिव्यांग भाई 10-10 लाख को बता रहा है, उनका जॉब कार्ड नहीं बनाया जा रहा है। और बहुत अनेक ऐसा दिव्यांग के लिए, देखिए दिव्यांग के लिए है, पेपर में आता है कि दिव्यांग के लिए योजना है, जमीन स्तर पर दिव्यांग का योजना उसको नहीं मिल पाता है, उनका हक है। आप हम दिव्यांग को सरकार की तरफ से ऋण मिला जाता है, ऋण दिया जाता है, इस ऋण में सरकारी नौकरी वाला गारंटी होना चाहिए, सरकारी कर्मी गारंटी होना चाहिए। हम दिव्यांग का कौन सा सरकारी कर्मी हम लोग का गारंटेड बनेगा? तो हम दिव्यांग भी चाहते हैं कि हम लोग को छोटा मोटा लोन मिल जाए, लोन मिलने के बाद हम लोग अपना जूता का दुकान करके, सतुआ का दुकान करके, चाय का दुकान करके, पान का दुकान करके, कोई भी फेरी करके हाट बाजार जो अपना गुजर बसर करें, लेकिन हम लोग को ऐसा कुछ नहीं। हम दिव्यांग सभी पे आज तक ना भरोसा किए, सभी पे भरोसा किए, जो भी सरकार बना सभी पे भरोसा किए, लेकिन हम लोग दिव्यांग को मिला मिल क्या रहा है 400 रुपया पेंशन कुछ नहीं। और उसके बाद जहाँ भी बलों का स्तर पर जाइए, जहाँ भी जाइए, हम लोग कहना समझा अपमान किया जा रहा है। हम लोग चाहते हैं कि हम लोग का बात कोई सुने, हम लोग का बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। इसके लेकर के अभी हम मधुबनी जिला में 6 ऐसा प्रखंड में, जो प्रखंड विकास पदाधिकारी को हम लोग आवेदन लिख करके दिए, सर हमारे साथ मीटिंग कीजिए, हम दिव्यांग का समस्या को समझिए। और प्रखंड लेवल पे महीना में 1 मतलब मीटिंग कीजिए, पंचायत महीना में 2 मतलब मीटिंग कीजिए, तो वहाँ पे आपको दिव्यांग का समस्या दिखने में आए, जागरूकता हो जाए, और कोई दिव्यांग अपना लाभ से वंचित नहीं रहेगा यदि ऐसा हो। लेकिन हम लोग ने लाभ दिया, लेकिन ऐसा नहीं, आनाकानी आज हम लोग पहुँचे हैं। आज सभी बस जिला के जितना भी प्रखंड है मधुबनी जिला में, सभी प्रखंड का टीम सब मिल करके ये फैसला लिए, और सभी बोला कि भैया हम लोग को जब कुछ मिलवे नहीं करता तो हम लोग उसको दिया, और किस लिए?
ये रही समस्या इनकी, ये लोगों को पेंशन के नाम पर सिर्फ 400 रुपया दिया जा रहा है, उसके बावजूद भी ये लोग बोल रहे हैं हमें पेंशन भी नहीं मिल रही है, प्रखंड स्तर पर भी इनको कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है, इस वजह से ये लोग जो है प्रदर्शन कर रहे हैं कि हमारी मांग पूरी हो, नहीं तो हम वोट का बहिष्कार करें।